हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 13 वीडियो है और पार्ट 13 वीडियो में विविध प्रश्नावली पे है और क्वेश्चन नंबर है 15। कह रहा 1.2 मीटर लंबी एक लड़की जमीन पर खड़ी होकर पाती है कि एक गुब्बारा जमीन से 88.2 मीटर ऊंचाई पर एक सीध में जमीन के समांतर उड़ रहा है। चलिए मैं इसका फिगर बना लेता हूँ। यह धरती का तल ले लेते हैं, समांतर तल ले लेते हैं। यहाँ पे एक गुब्बारा उड़ रहा है, यहाँ पे ऊपर कहीं गुब्बारा उड़ रहा है, यहाँ पर है गुब्बारा। कितनी ऊंचाई है? 88.2 मीटर ऊंचाई पर गुब्बारा उड़ रहा है, यहाँ पे है गुब्बारा। और लड़की यहाँ पर खड़ी कर देते हैं हम लोग, लड़की जो है यहाँ पर खड़ी है, ठीक है। ये आपका ये लड़की हो गई 1.2 मीटर, 1.2 मीटर ऊंची लड़की हो गई, ठीक है। यहां से गुब्बारे को देख रही है वो, तो क्या हो रहा है? किसी क्षण वह गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री पाती है। तो यहाँ पे उन्नयन कोण कितना हो जा रहा है? 60 डिग्री का उन्नयन कोण हो जा रहा है, ठीक है। उन्नयन कोण कितना हो रहा है? 60 डिग्री का हो जा रहा है, ठीक है। ये उन्नयन कोण कितना हो रहा है? 60 डिग्री का उन्नयन कोण हो रहा है। कह रहा है कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि इस दौरान गुब्बारे ने कितनी दूरी तय की थी। यानी देखो, यह गुब्बारा यहाँ था, उड़ते उड़ते यहाँ आ गया, यहाँ आ गया गुब्बारा। तो यहाँ आने से क्या होगा? यह गुब्बारा यहाँ आ गया, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो रही है? यही दूरी हमें निकालनी है, यह दूरी हमें निकालनी होगी। जबकि यहाँ से उन्नयन कोण जो है ना, कितना हो जा रहा है? 30 डिग्री हो रहा है। यह उन्नयन कोण 60 से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। टोटल 60 था, अब यह 30 डिग्री हो जा रहा है। तो यहां से यहां तक कितनी दूरी तय हुई, यही निकालना है। बताइए इस दौरान गुब्बारे ने कितनी दूरी तय की, यह निकालना है। तो देखो, ये ऊंचाई 88.2 है, तो ये भी 88.2 ही होगा, 88.2 मीटर ये टोटल। अच्छा, यह 1.2 है, यहाँ भी 1.2, यही लड़की की ऊंचाई के हिसाब से देखेंगे तो ये भी 1.2 होगा। तो यह निकल जाएगा यहाँ से यहाँ तक, तो 88.2 में से 1.2 घटा देंगे तो 87 आ जाएगा, 87 मीटर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये भी आ जाएगा 87 मीटर यहाँ से यहाँ तक, समझ गए ना? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, इसका नाम कुछ दे देते हैं, ए बी सी, यहाँ दे देते हैं डी ई एफ जी एच, ठीक है। अब मान लेते हैं इस दौरान लड़की जो है ना एक्स मीटर, गुब्बारा जो है ना एक्स मीटर जा रहा है। गुब्बारे ने कितनी दूरी की तय की? एक्स 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 मीटर दूरी तय की, ठीक है। और लड़की जो है पहले जो है यहाँ से कितनी दूरी पे थी? वाई दूरी पे थे मान लेते, ठीक है। माना 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 गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बराबर में x, तय की गई दूरी क्या है? x है। अच्छा, यह भी मान लेते हैं, माना प्रारंभ में लड़की से गुब्बारे की दूरी बराबर में y, ठीक है, समझ गए ना? अब देखिए, यहाँ पे tan लगाना है, tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब और बटा में आधार। तो पहले लेते हैं त्रिभुज HGF में, ध्यान से देखिए HGF इस वाले में tan 60 लगेगा, लंब हो जाएगा FG और आधार हो जाएगा HG। tan 60 का वैल्यू √3, यह है 87 और बटा में y, तो y बराबर में हो जाएगा 87 बटा में √3, ठीक है। इतना ही रहना दे सकते हैं, चाहे परिमेयकरण भी कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप इतना भी रहने दो या परिमेयकरण भी कर सकते हो हर का, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलो इतना ही रहने देते हैं, अगले फिगर में देखा जाए। त्रिभुज HDE में, HDE ये वाले में tan 30 लगाएंगे, tan 30 बराबर में लंब बटा आधार है, यानी ED बटा में HD हो जाएगा, ठीक है। tan 30 का 1/√3, ED कितना है? ED है 87
और यह है एक्स प्लस वाई, समझ गए ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स प्लस वाई बराबर में हो जाएगा 87√3। वाई का मान यहां रख दे, 87/√3 बराबर में 87√3। चलिए यहाँ परिमेयकरण ही कर दो ना, बेस्ट रहेगा, शुरू में भी कर सकते थे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी कर देंगे कोई दिक्कत, पहले परिमेय ही करण कर देते हैं, प्लस है ना 87/√3, रूट तीन से ऊपर भी गुना और नीचे भी गुना 87√3। चाहे एलसीएम भी ले सकते थे, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होने वाली थी, ठीक है। चलिए या नहीं भी करोगे ना परिमेयकरण तो भी कोई दिक्कत नहीं, चलो ना लास्ट में ही किया जाएगा, ठीक है। चलो इसको उधर भेज देते हैं, सबसे बढ़िया 87√3 माइनस में 87√3, एक्स बराबर यहाँ पे एलसीएम होगा √3, ठीक है। अब देखो यहाँ कुछ नहीं, तो आपका वन है, वन में इसे भाग करेंगे तो √3, और उसके बाद अब यहाँ पे ये √3 ऊपर जाके गुना कर देगा, तो √3 में √3 से गुना होगा 3, तो 87 में 3 से गुना कर दो, तो 87 में 3 से गुना करोगे तो आएगा 261, और माइनस में 87, माइनस में 87 तो आ जाएगा 174, घटा देंगे तो 174 आ जाएगा, x बराबर में 174/ √3। अब इसके हर का परिमेयकरण कर देते हैं, √3 से ऊपर भी गुना नीचे भी गुना, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, ऊपर 174√3 और आपका बटा में 3, 3 से इसको काट देते हैं, 3 × 5 = 15 और 3 × 8 = 24, 58√3 मीटर, ठीक है। या फिर इसे पॉइंट में भी ला सकते हैं, 58√3 हो रहा है ना, तो 58 में गुना कर देंगे 1.732 से, कितना हो जाएगा गुना करने पे 1.732 से आ जाएगा यहाँ पे 100.456 मीटर। हम लोग इसे दो पॉइंट तक ले सकते हैं, 100.45 मीटर, ठीक है, समझ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी जो होगी वह हो जाएगी 100.45 मीटर, या 58√3 भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है उससे, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन।